हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाले फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले SHR के पिक्चर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस बैकग्राउंड को शेयर करके हम पिक्सआर्ट टैब में ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फोटो का बैकग्राउंड पहले ही रिमूव कर रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और बैकग्राउंड की सबसे बेस्ट वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को विजिट करें। इस फोटो को हमें ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे ऐड फोटो पर क्लिक। तो हम कर लेंगे ये वाली लाइट को ऐड। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करेंगे और इसकी डबल लेयर बना लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। एक को साइड में करके एक को हम मोड टू डाउन कर देते हैं और इसे यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर ऐसे लेके आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम करेंगे इरेजर पर क्लिक और इन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और इसके हार्डनेस को 2 कर देंगे और ओपेसिटी कर देंगे 60-65 के बीच में, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। मैं 65 कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारी शर्ट के किनारे हैं इन पर कोनों पर हम इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिससे हमारी फ़ोटो में रियलिस्टिक लुक आएगा। साथ में घोड़े की गर्दन पे यहाँ पे इस पर भी हम कर लेंगे ड्रॉ, जिससे ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड से जो लाइट आ रही है वो हमारे ऊपर यहाँ पे लग रही है। इसके बाद थोड़ा साइज वो कम करेंगे और फेस पे भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ऐसे डन करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी वजह से कितना लाइट इफेक्ट आ रहा है, उसे हम फोर आफ्टर करके चेक कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसको यहाँ से जूम कर दिया। लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ओपेसिटी को फुल, ये देखिए लाइट आ रही है और ये 0। फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस हमारी फ़ोटो में बहुत रियलिस्टिक लुक दे देता है, तो ऐसे हम फुल कर देके तो हम इसे, इससे पहले हम अपना लोगो ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोफेशनल लोगो है, आप भी अपना लोगो बना सकते हैं, और अगर चाहें तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताएं। इसे हम यहीं पे सेट कर देते हैं और थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी फ्रेंड्स, ये फ़ोटो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने तो वीडियो को बंद करके थोड़ा ऐसे फिर से ऐड किया है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है पहले से, लेकिन लाइटिंग वगैरह सेम वैसे ही है जैसे पहले थी। हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और हमारा एक PNG है, बाकी उसे हम इसमें ऐड करेंगे। ये PNG ऐड करके इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, और इसे फुल स्क्रीन पे करके इसे ऐसे छोटा कर लेंगे। और इसे अब हम यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और इस फोटो को कर देंगे सेव। इसके बाद हम लाइटरूम ऐप को ओपन करेंगे, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और अभी जो हमारी फ़ोटो थी इसे हम ऐड कर लेंगे।
और फ्रेंड्स इसकी हम सेटिंग्स को चेंज करते हैं, एक्सपोजर को -10 कर देते हैं, कंट्रास्ट को 4, हाइलाइट्स को 4, शेडोज को -15, वाइट्स को -20 के आसपास और ब्लैक्स को हम कर देंगे 20। इसके बाद कलर्स में जाएंगे, टेम्परेचर को +6, वाइब्रेंस को हम करेंगे 6, सेचुरेशन को भी 6। इसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, रेड कलर की सेचुरेशन को थोड़ा हल्का -10, ऑरेंज कलर की सेचुरेशन -9 और लुमिनेंस को भी हम करेंगे 6 के आसपास। येलो कलर की को चेंज करके हम करेंगे 57-58 के आसपास, सेचुरेशन को 15 के आसपास और लुमिनेंस को -15। ग्रीन की सेचुरेशन ख़त्म, ब्लू की सेचुरेशन को -100 और लुमिनेंस को भी -100। यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स में, टेक्सचर को 4, क्लियरिटी को 4, डीएस को 6, बिगिनेट को -27 के आसपास, फेदर को 50-60 के आसपास। इसके बाद हम जाएंगे डिटेल्स में, डिटेल्स में शार्पनिंग को हम करेंगे 66 और 70 के बीच, नॉइस रिडक्शन को हम करेंगे 15, कलर्स में रिडक्शन को भी हम 15 के आसपास, शेडो स्मूथनेस को हम कर देंगे 20 के आसपास। फ्रेंड्स ये देखिए बिफोर और ये आफ्टर। अब फ्रेंड्स इसकी सेटिंग का प्री सेट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से सेटिंग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं।